नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। इस्कॉन प्रचार समिति यमुनानगर जगाधरी द्वारा 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यमुनानगर के शशि महल में श्रीमद् भागवत कथा होगी। इस अवसर पर इस्कॉन कुरुक्षेत्र यमुनानगर के अध्यक्ष साक्षी गोपाल दास कथा व्यास होंगे। साक्षी गोपाल दास ने बताया कि प्रतिदिन साय 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा होगी। कथा के पश्चात भंडारा प्रसाद वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ईशान प्लाईवुड की रीना गर्ग एवं सुरेंद्र गर्ग मुख्य यजमान होंगे। इसके अलावा प्रतिदिन अलग अलग यजमान होंगे, जिनसे विधिवत पूजा आरंभ करवा कर श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर को कथा का समापन होगा। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन राम निवास गर्ग ने बताया कि कथा में साक्षी गोपाल दास कथा व्यास होंगे। ये है अर्थ प्रकाश की विशेष रिपोर्ट। यमुनानगर में 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो पूर्व वर्षों की भारतीय श्रीमद् भागवत कथा है वो होने जा रही है, जो कि शशि महल में होने जा रही है। और शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा और प्रतिदिन कथा के उपरांत सभी के लिए सुस्वादिष्ट भंडारा प्रसाद होगा। तो कथा से क्या फायदा होता है जो सुनते हैं? कथा से क्या फायदा होता है? भागवत कथा सुनने से जो है व्यक्ति की जो आत्मा है उसको भोजन मिलता है। हम हलवा चपाती गुलाब जामुन जो खाते हैं वो शरीर के लिए है, लेकिन हमारी आत्मा की खुराक जो है अध्यात्म है। वो भगवान का नाम, भगवान के गुण रूप लीलाएं, भगवान ये सब हमारे शास्त्रों में लगे कि अध्यात्म है। तो जब हम भगवान की कथा सुनते हैं उससे हमारी आत्मा को अध्यात्म खुराक मिलती है। अब देखो बहुत से लोग हैं बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बहुत अच्छे भोजन खाते हैं, दूसरे बाद रात को नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? बड़े बड़े लोगों को डिप्रेशन की गोली खानी पड़ रही है, क्योंकि अंदर से आत्मा भूखी है। तो आत्मा का भोजन अलग है। तो हम लोगों को गीता भागवत का संदेश सुना के, हरिनाम सुना करके, प्रसाद खिला करके उनको आत्मा का भोजन खिलाते हैं, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, आत्मा को आनंद मिले। महाराज जी, जी 2 साल तक पूरा वर्ष जाम हो गया था, जी जी। अब फिर पैर पसारना शुरू कर दे, तो उसके लिए क्या करना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे सभी को अपने जो है ना परहेज रखना चाहिए, जो सरकार के जो गाइडलाइन है उसका फॉलो करना चाहिए, और साथ में भगवान से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी कोई बचने वाला नहीं है। हैं, मारे कृष्णा राखे की और राखे कृष्णा मारे की। जिसको भगवान बचाना चाहते हैं भैया, उसका दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और जिसको भगवान पत्ता सांपना चाहते हैं उसको दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। तो हमने दवा भी करनी है और दुआ भी करनी है, ठीक है ना? दुआ है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इस्कॉन भागवत का आयोजन यमुनानगर में हो रहा है, और हम सभी भागवत का आनंद लेंगे। प्रभु जी जो है आप हर वर्ष लगभग 24 वर्षों से जिला यमुनानगर के अंदर आप हर वर्ष भागवत का आयोजन आपके घर कमलों द्वारा होता है। आपके मुखारविंद से पूरा समाज, जिले के सभी श्रोतागण, सभी बंधु, सभी मातृशक्ति जो है भगवत का आनंद लेते हैं। और हर वर्ष इसको रथ यात्रा, भव्य रथ यात्रा जो है उसका आयोजन होता है। लाखों भगत भगवान जी के दर्शन करते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। उसी कड़ी में अब 25-31 दिसंबर तक भागवत का आयोजन जो हो रहा है। मैं सभी पत्रकार साथियों से, क्योंकि आपकी कलम जब चलती है। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।